दोस्तों हम कौनस की बात करें बट विद अ कॉशन के डिसएडवांटेजेस एन मुमकिन है आपकी अपनी वजह से हो आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हो या आपके लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की वजह से हो लो प्रोडक्टिविटी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अमूमन फ्री कंप्लेन करते हैं कि जनाब तकरीबन सात फीसद लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जनाब आ, लो प्रोडक्टिविटी फेस करने पड़ती है व्हेन दे आर वर्क फ्रॉम होम फ्री यानी कि जब वो अपने घर से काम करते हैं तो वो एक यूनोमिनस रूटीन के अंदर आ जाते हैं और फिर वो सात फीसद लोग वैसे तो लिखा हुआ सिक्स पॉइंट एट बट मैं राउंड राउंड अबाउट फिगर आपको बता रहा हूं वो ये फील करते हैं हमें है। कि हमें लो प्रोडक्टिविटी है यानी कि ये जो फ्लैक्सीबिलिटी है घर से काम करने की और अपने घंटे खुद सेलेक्ट करने की ये आपको निकम्मा बना देती है और आप अपने काम को ईजी ले लेते हैं इजी नहीं लेने का अपने काम को सीरियस करने का अब ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट क्या आपको ये लॉजिकल बात लगती है हालांकि कौन से स्टैटिस्टिकली प्रूवन है बट एन मुमकिन है ये उन लोगों की तरफ से हो ये स्टैटिस्टिक्स जो जनाब वैसे ही सुस्तो बाई डिफॉल्ट वो कहते हैं ना मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट अब अगर किसी के अंदर मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट है सुस्ती की और वो काम करना नहीं चाहते तो उनके लिए तो हजार बहाने वर्क फ्रॉम होम इज एक्चुअली अ फ्लेक्सीबिलिटी राधा देना डिसएडवांटेज ये मैं आपके सामने जीती जाती एग्जांपल हूँ अगर कहते हो तो पुशअप भी निकाल दूंगा अगर कहते हो तो भाग भी लूंगा अगर कहते हो तो क्रिकेट का पूरा मैच खेल के भी दिखा दूंगा बिकॉज मैंने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया जब मैं काम कर रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल टाइम गुजारता हूं मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ मैं बड़ा फाउंड हूँ साइकिलिंग का मैं रिक्रिएशंस नारान का गान पाकिस्तान का पूरा नॉर्थ फिरता हूँ साल में एक दफ़ा और अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ लेकिन जब मैं काम करता हूँ फिर मैं काम करता हूँ जब आप एक रूटीन 24 घंटे में से 22 घंटे करेंगे तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप थक जाएंगे अख जाएंगे उस काम से यू you नो know, अगर आप किसी स्पोर्ट्स से पूछिए कि उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला क्यों किया तो वो दो वजूहत हाँ बताते हैं चालीसवें साल में आके एक वजह तो ये है कि जनाब अब वो एनर्जी नहीं रही और जिसम साथ नहीं देता लॉजिकल बात है इतना वेयर एंटीयर हो गया बॉडी का काम कर करके डेली एक्सरसाइज करके और दूसरी बात वो ये बताते हैं कि अब दिल नहीं करता वो दिल इसलिए नहीं करता कि आपकी एक कॉन्टिन्यूस रूटीन दहाइयों से चल रही है सालों साल चल रही है और एक वक्त आता है आपकी बॉडी सेज आई कॉन्ट टेक इट एनी मोर जब आप वर्क लाइफ बैलेंस रखते हैं जब आप एक ही काम के पीछे नहीं पड़े रहते कि पैसा कमाना है और काम ही करते रहना है तो लोगों का कैरियर तीस तीस चालीस चालीस साल भी होता है और हमने देखा है मैं आपको यहां पे कोट करूंगा एक फेमस ऑन्ट्रप्रोर वर्जन एयरलाइंस के रिचर्ड ब्रांसन उनका ये uh, मानना है कि अगर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं करते तो आप अपनी बॉडी को थका रहे हैं सबकॉन्शियसली। एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। उस सबकॉन्शियस में वो बातें स्टोर होती हैं रिकॉर्ड होती हैं और वो फिर एक वक्त आता है जब कैपेसिटी फुल हो जाती है इट इंपैक्ट्स योर कॉन्शियस इट इम्पैक्ट्स योर बॉडी तो ये लो प्रोडक्टिविटी की जो बात है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी वर्क रूटीन से अगर आप 24 घंटे एक ही काम कर रहे हैं ब्रेक नहीं ले रहे रिलैक्स नहीं कर रहे स्ट्रेस लिया हुआ है तो इंसान का जिसम रोबोट नहीं है दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम को एलोकेट कीजिए कौन सा वक्त काम करने का है कौन सा वक्त सोशल नेटवर्किंग का है कौन सा वक्त आपका अपने लिए है कौन सा वक्त आपका अपनी फैमिली के लिए है कौन सा वक्त आपका आपके दोस्तों के लिए है